गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS इंटर कॉलेज। आज शॉर्ट स्टोरी के बचे हुए पार्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लेसन थर्ड चल रहा था द लास्ट चाइल्ड का, जिसमें एक पार्ट जो है के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए आगे देखते हैं कि पॉटिंग सॉब ऑफ ए ब्रीथ मदर व्हेन द प्लेजर ऑफ फूड वॉज बिफोर हिम फिल्ड इगर आइज। पॉटिंग सॉब ऑफ ब्रीथ मदर, यानी सिसकियों भरे सांस लेते हुए हकलाते हुए बच्चा जो है अपनी माँ की तरफ देखता है। व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वॉज बिफोर हिम फिल्ड इगर आइज, जबकि उसकी आंखों में उसकी उत्सुकता की ललक अभी भी दिखाई दे रही थी। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन व्हिच दे हैड वॉक्ड सो फार। अब वे धूल युक्त सड़क को छोड़कर, जिस पर वो लंबे समय से या लंबी दूरी से चले आ रहे थे, अब उसको छोड़कर इट बेंडेड एट बेरी वे सर्कुलरसली टू द नॉर्थ, जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। दे हैड कम अपॉन द फुटपाथ इन द फील्ड, अब वे खेत से होकर जाने वाले पगडंडी के रास्ते पर आ गए। इट वॉज पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, जहाँ पर सरसों का विशाल का एक मैदान था। पेल लाइक ए मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लाइट्स, जहाँ पर मीलों दूर तक सरसों के सुनहरे फूल चमक रहे थे, दिखाई दे रहे थे। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, जिसके पास नदी की धारा बह रही थी और बाढ़ के कारण उसके पानी जो है पीले पड़ गए थे। इबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश इडी ऑफ वाइल्ड विंड, इबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच ऑफ फ्रेश इडी ऑफ वाइल्ड विंड, तेज हवा के झोंके से उसकी लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। एंड स्ट्रेट इन प्लेस इन टू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, जो एक उपजाऊ मैदान से होकर उसकी धाराएं जो है उपजाऊ खेतों से होकर जा रही थी। येट रनिंग इन अ कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टूवर्ड द डिस्टेंस, येट रनिंग इन अ कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टूवर्ड द डिस्टेंस मिरर ऑफ ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, फिर भी निरंतर जो है सूर्य की किरणों की चमक लिए हुए धारा उस महान सागर की ओर जा रही थी। व्हेयर इट एंडेड, जहाँ पर वो जाकर नदियों की धारा यानी उस समाहित होती किसमें, सागर में। ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल हाउसेज, दूसरी तरफ मिट्टी के बने दीवालों के घर थे। थ्रोन इन टू रिलीफ बाई द डेंस क्राउड ऑफ येल्लो रॉब्ड मैन एंड वोमेन, फ्रॉम हुच अक्रॉस अ हाई पिच सिक्वेंस ऑफ विस्टलिंग क्रैकलिंग स्क्वेकिंग रोनिंग हिमनिंग वॉयज। व्हेयर वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल हाउसेज, एक तरफ मिट्टी के बने हुए घर थे। थ्रो इन टू रिलीफ बाई अ डेंस क्राउड, जहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ निवास करती थी। आप येल्लो रब्ड मैन एंड वोमेन, जहाँ पर पीले वस्त्र पहने हुए लोग वहाँ निवास करते थे। हुच राज अ हाई पिच सिक्वेंस ऑफ विस्टलिंग क्रैकलिंग स्क्वेकिंग रोरिंग ह्यूमनिंग वॉयज, जहाँ पर लोग कुछ लोग तेज आवाज कर रहे थे, तेज आवाज करके कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रोव इन टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई लाइक अ वायर, उनकी आवाज़ें इस प्रकार से गूंज रही थी कि मानो
जिस प्रकार से आकाश में बिजलियां चमकती हैं, स्ट्रेन साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, या भगवान शिव की वो तेज जो है विचित्र सी आवाज, इस तरह का ध्वनि वहां पर निकल रहा था। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, बच्चा अपने माता पिता को देखता है, स्ट्रेचर्ड विद अ सिल जॉय एंड वॉन्डर टू दिस वेस्ट ग्लोरी। स्ट्रेचर्ड विद अ सिल जॉय, अचानक वो प्रसन्न होता है और वॉन्डर ऑफ दिस वेस्ट ग्लोरी। और उस विशाल काय ग्लोरी को देखकर आश्चर्यचकित होता है एंड फील दैट दे टू ओवर द एविडियंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट ऑफ दियर फेस। वे भी उस शुद्ध या वास्तविक प्रसन्नता को देखकर उनके भी चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं। ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड। वह फुटपाथ को छोड़ देता है, यानी जो छोटा बच्चा है फुटपाथ को छोड़ देता है और अब खेतों में दौड़ने लगता है। क्यों? प्रेसिंग लाइक अ यंग कॉल्ट, जैसे छोटे जानवर के बच्चे होते हैं वो दौड़ते हैं। हिज स्मॉल फीट ट्रिमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड, उसके छोटे कदम उस धूल में, मतलब एक समय अंतराल पर चल रहे थे, एंड केम रिच विद द फ्रेगनेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड, और दौड़ते भागते वह केम रिच विद द फ्रेगनेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड, यानी वो जो विशाल काय फील्ड था, उपजाऊ भूमि थी, उसमें वो दौड़ रहा था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लीज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाइडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग, जहाँ पर ड्रैगन फ्लीज का एक झुंड जो है, जिनके पर्पल विंग्स थे, उनका झुंड वहाँ उड़ता हुआ आया। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ एलोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, उनके बीच एक विशाल काय काले रंग की तितली भी फूलों से गंध की तलाश में वो इधर उधर भटक रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन एयर विथ हिज गेज, बच्चा एक तक उनको निहारता हुआ उनका पीछा करता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स, तब तक उनमें से एक तितली ने अपने पंखों को समेटा एंड रेस्ट और आराम करने के लिए बैठ गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, बच्चा उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने चला, वो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, वह हवा में मंडराने लगी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, वह लगभग जब उसको, मतलब उसके हाथ में वो आने ही वाली थी, वन बोल्ड ब्लैक बी हैविंग इविडेंट कैप्चर, एक बड़ी तितली ने जो है उसकी तरफ मानो उसे पकड़ने के लिए आ रही हो, शाउट अटेम्प्ट हिम बाय वाइनिंग अराउंड हिज ईयर, वो आके उसके कानों के पास मड़राने लगी। एंड नियरली सेटल ऑन हिज लिप्स, और लगभग उसके ओठों तक आ गई। व्हेन हिज मदर गेव अ कासरी कॉल, और जब उसकी माता ने उसे निर्देशात्मक तरीके से बुलाया, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गैली, वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागता चला गया। एंड वॉक्ड अब्रॉड ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, और वह उनके पास दौड़ते हुए तब तक गया। विंग हाउ यू वर सून लेफ्ट बिहाइंड, और उनको पीछे ही छोड़ दिया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्ब्स अलॉन्ग द फुटपाथ, फुटपाथ पर जाने के बाद भी वह उन छोटे कीड़ों के प्रति आकर्षित रहा। दैट बर ट्रिमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो अपने छिपे हुए या रहस्यमय जगहों से निकलकर सूर्य की किरणों में
आनंद लेने के लिए आए हुए थे। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, उसके माता पिता ने उसे बुलाया कि आओ बच्चे आओ। द साइड ऑफ द ग्रोव, उस कुंज की छाया में जाकर, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पर एक कुएं की जगत पर वो लोग बैठे हुए थे। ही रैन टूवर्ड देम, वह भागता हुआ उनकी तरफ गया। एन ओल्ड बनियान ट्री आउटस्ट्रेच इट्स पावरफुल आर्म ओवर द ब्लोजिंग जैक एंड जामन एंड नीम एंड चंपक एंड सिसा एंड कास्ट इट्स शैडोज अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस एंड क्राइमसन गुलमोहर एज एन ओल्ड ग्रैंडमदर स्पीड हर स्कर्ट ओवर हर यंग वंस। क्राइम ओल्ड बनियान ट्री स्ट्रेच आउट इट्स पावरफुल आर्म, का वहाँ पर जहाँ पर उसके माता पिता थे वहाँ पर एक पुराना बरगद का वृक्ष था जो अपने टहनियों को इस प्रकार से फैलाया हुआ था, जिसके नीचे जामुन सिरसा चंपक जैसे वृक्ष, नीम आदि जैसे वृक्ष जो है उसकी छाया में पल बढ़ रहे थे। एंड कास्ट इज शैडो अक्रॉस बेड ऑफ गोल्डन क्राइसिस एंड क्राइमसन गुलमोहर, कहा वहाँ तक कि गुलमोहर के भी ऊपर अपनी छाया को इस प्रकार फैलाया हुआ था कि एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर स्पीड हर स्कर्ट ओवर हर यंग वंस, जिस प्रकार से एक बूढ़ी दादी जी अपने आंचल को अपने पोते के ऊपर जो है ढकी होती हैं जब वो सो रहा होता है, उसी प्रकार से वह बरगद का वृक्ष भी अपने छोटे वृक्षों के ऊपर अपनी छाया को बिखेरा हुआ था। बट द ब्लेसिंग ब्लॉजम्स फ्रीली ऑफर डियर एडोरेशन टू द सन इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्शन चैम्परन, लेकिन उन आसित वृक्षों ने उसकी छाया के अतिरिक्त उस सूर्य की किरणों को जो है एडोरेशन इन द सन, मतलब सूर्य की किरणों यानी उसके प्रकाश को ऑब्जर्व कर रहे थे। बाई हाफ कवरिंग देमसेल, जो आधे ढके हुए थे। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ दियर पोलन मिंगल विद द सॉफ्ट, और स्वीट परफ्यूम ऑफ दियर पोलन मिंगल विद द सॉफ्ट, और धीरे धीमे गस से उनके फूलों की सुगंध कूल ब्रीज ठंडी हवा के साथ महसूस हो रहा था। दैट केम एंड वेंट अ लिटिल पुफ, जो आ रहा था धीरे धीरे झोंके में आ रहा था। वनली बिया वुप्ड अलॉफ्ट बाय अ स्ट्रेंजर ब्रीज, जब अचानक जो है तेज हवा चलती थी तो उसके सुगंध और स्पष्ट होते थे। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, फूल के कुछ बौछार बच्चे के ऊपर गिरे जैसे ही वह कुंज में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटन हिज पेरेंट, और जैसे ही उसके ऊपर फूल गिरे वो अपने माता पिता को भूल गया। एंड ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स ऑफ द हिज हैंड, और उन फूलों को जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन अचानक ही हियर द क्विंग द ड्रॉप एंड रन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग, लेकिन जैसे ही उसे एक बतख के कूकने की आवाज़ सुनाई दी वह चिल्लाते हुए अपनी माता पिता की तरफ भागता है। कहता है द डॉग ही रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, कहता है बतख बतख कहते हुए वो अपने माता पिता की तरफ भागता है और उसके हाथों से जो है जो फूल इकट्ठा किया होता है वो छूट जाते हैं। ए क्यूरियस लुक वॉज इन हिज पेरेंट्स फेस टिल अ क्वाइल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रियलाइज देयर पेंट अप शो, एक जिज्ञासा अचानक जो है दृश्य जो है उनके माता पिता के चेहरे पर दिखाई देता है। जब तक कब तक दिखाई देता है, जब तक कि क्वेल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रियलाइज देयर पेंट अप शो, जब तक कि कोयल की आवाज़ उनके कानों तक नहीं सुनाई देती है, और कोयल की आवाज़ जब वो सुनते हैं तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कम चाइल्ड कम द कॉल टू द चाइल्ड, कहते आओ बच्चे आओ, वो अपने बच्चे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन अ वाइल्ड कैपर, जो कहाँ दौड़ रहा होता है। हु हैड गॉन नाउ इन वाइल्ड कैपर राउंड द बनियान ट्री, यानी बरगद के वृक्ष के चारों तरफ जो दौड़ रहा होता है। गैदरिंग हिम अप,
और वहाँ पर फूलों को इकट्ठा कर रहा होता है। टुक द नियरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और उसी से सटा हुआ फुटपाथ यानी पगडंडी का रास्ता था जो सीधे सरसों को खेत से होता हुआ मेले की ओर ले जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का जो है सेकंड पार्ट। अगले पार्ट को लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।